वास्तविक जीवन से संबंधित सवाल, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। आज हम देखेंगे कि रोजमर्रा की गतिविधियों में गणित का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आप इस होनहार लड़के विमल को पहचानते हो ना? और यह है उसका परिवार। जैसा कि आप सब जानते हो कि घर का खर्चा चलाने के लिए विमल सब्जी बेचता है। विमल के चाचा ने उसे सब्जियों की रेड़ी लगाने के लिए बैंक से उधार लेने की सलाह दी। विमल ने सब्जियों की रेड़ी लगाने के लिए बैंक से 500 रुपए उधार लिए थे, जिसके लिए वह बैंक को हर महीने 51 रुपए का भुगतान करता है। विमल ने अपने पिता को बताया कि 10 महीनों में यह बैंक का सारा उधार चुका देगा। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि 10 महीनों में विमल बैंक को कुल कितने पैसे वापस करेगा? आप वीडियो रोककर इसकी गणना कर सकते हैं। हम इसकी गणना इस प्रकार कर सकते हैं, 51 गुणा 10 हुए 510। विमल 10 महीने में बैंक को 510 रुपए वापस करेगा। बैंक से पैसा उधार लेते वक्त पड़ोस की घनश्याम ने विमल के पिताजी को पुष्कर साहूकार से उधार लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये पुष्कर से 500 रुपए उधार लेगा तो 10 महीनों बाद उसे सिर्फ 550 रुपए देने पड़ेंगे। बच्चों, अब आप ही बताओ कि विमल के लिए बैंक से उधार लेना या साहूकार से उधार लेना कौन सा अच्छा सुझाव था? आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न का उत्तर सोच सकते हो। 10 महीने बाद विमल बैंक को 510 रुपए देगा। 10 महीने बाद विमल साहूकार को 550 रुपए देगा। विमल को बैंक को कम पैसे देने पड़ेंगे। क्या आपने भी यही सोचा था? विमल गणित में अच्छा है, इसलिए उसने बैंक से ही उधार लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि विमल को पढ़ाई बहुत पसंद है। वह अपनी बहन को रोज स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करता है और खुद भी रोज नाइट स्कूल जाकर पढ़ाई करता है। वह कॉलेज भी जाना चाहता है और फिर अपनी एक दुकान खोलना चाहता है या किसी ऑफिस में काम करना चाहता है। बच्चों, आज हमने देखा कि रोजमर्रा की गतिविधियों में गणित का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है।